गाइस, मैं आज की मौसम की नई वीडियो सुन, तो आप क्यों आए हो? आप थोड़ा नई वीडियो लेके आए हो, आप तो नई वीडियो सुनने आए हो क्योंकि आप खुद को ढूंढ नहीं पा रहे हो, आप खो गए हो। क्योंकि आप अपना पर्सनल स्टाइल नहीं ढूंढ पा रहे हो। पर्सनल स्टाइल अगर किसी को नहीं मिला तो वो खो ही जाएगा, क्योंकि उसको पर्सनल पैशन ही नहीं पता। मुझे एक्चुअल में पसंद क्या है, फॉर्मल वेयर, कैजुअल वेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्ट्रीट वेयर, पता क्या है उनको और उनको पसंद क्या है और क्या आने वाला है ना, वो आपको पता नहीं है। टेक्निक नहीं पता, आज टेक्निक बताने वाला हूं कि आपको अपना पर्सनल स्टाइल कैसे मिल जाएगा। जैसे पर्सनल पैशन मिलता है तो आपका कौन सा है, स्ट्रीट वेयर, ढीला ढाला, कंफर्टेबल, या फिर ये बताओ कौन सा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से खेल चालू करते हैं, वो होने वाला है आपको पिंटरेस्ट पे जाना है या फिर इंस्टाग्राम पे जाना है। आप जिस टाइप के लोगों को फॉलो करोगे, जिस टाइप के मतलब आउटफिट्स देखोगे और ज्यादा आप पसंद करोगे या फिर लाइक करते हो, तो आपके पास ना उसी टाइप की आउटफिट की रिकमेंडेशन आनी चालू हो जाएगी और आपको खुद ही अंदर से फीलिंग आएगी कि यार मुझे ये चीज पसंद आ रही है, मैं इसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाता हूं, इसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाता हूं, मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं। भले वो आउटफिट किसी ने भी पहन रखा हो, 50 साल के बुड्ढे ने पहन रखा हो या फिर 15 साल के बच्चे ने, मुझे पता नहीं क्या होता है कि मैं इस चीज की तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाता हूं। आपके अंदर से गट फीलिंग अपने आप आना चालू हो जाएगी उस टाइप की फोटोज को देखकर। तो पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे चालू कर दो स्क्रॉल करना थोड़ा बहुत। सेकंड होने वाला है आपको न्यू टाइप के फिट्स ट्राई करने। जैसे ये वाली टी शर्ट है, वो शर्ट है, ये ओवरसाइज है और बहुत बड़े बड़े पैटर्न्स के साथ है, बहुत बड़े बड़े स्ट्राइप्स के साथ है, जो सुपर कैजुअल, और आप ना इसको स्ट्रीट वेयर के साथ भी पहन सकते हो किसी और आइटम के साथ मिक्स करके, ठीक है। या फिर आप ना और ज्यादा फिटेड भी ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप फॉर्मल स्टाइल की तरफ जाने वाले हो, लीन हो रहे हो या फिर बहुत ज्यादा कैजुअल और स्ट्रीट वेयर की तरफ। थर्ड होने वाला है आपको सबसे छोटी चीज को चेंज करना है। क्या होने वाली है वो, जिससे लोगों को पता भी नहीं चले कि आप ओवरसाइज ट्रेंड वाली टी शर्ट से सीधे सूट पे वैसे पहुंच गए। ये क्या पागल हो गया, क्या करना क्या चाहता है, शादी में जाना है इसको, फालतू में हो गए। तो लोगों को ये ना लगे ना, इसलिए आप धीरे धीरे स्टेप्स लो ताकि लोग आपके पीठ के पीछे बातें ना करें। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, मेरे बाल भी बिगड़े, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, अपनी ओवरसाइज ट्रेंड में आना, आप कार्गो पैंट्स पहन रहे हो उससे रिप जींस के ऊपर जाओ। रिप जींस में भी आप स्ट्रीट वेयर में ही रहोगे, स्ट्रीट वेयर के बाद है ना आपको रिप जींस के बाद नॉर्मल जींस की तरफ जाना है, डार्क जींस की तरफ। उसके साथ आप व्हाइट स्नीकर्स पहन सकते हो, लेदर वाले हो गए, आप अपनी चक्की स्नीकर से शिफ्ट हो गए, आप है ना स्ट्रीट वेयर से कैजुअल स्टाइल में आ गए। अब कैजुअल से आपको फॉर्मल के अंदर जाना है, तो आप स्ट्रीट वेयर में उधर से कहां जा सकते हो, आप ब्रोक्स पहन सकते हो या फिर सबसे पहले आप रोफर्स ट्राई कर सकते हो। अगर आप लाइट कलर की जींस पहन रहे हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, स्वेट वाले पहनो या फिर लेदर वाले डार्क कलर की जींस के साथ। उसके बाद आप क्या ट्राई कर सकते हो, बोट्स नहीं, ब्रोक्स और आपके बूट्स, कोई से भी, चेल्सी या माउंटेन बूट्स, कोई से भी। तू ऐसे क्यों खड़ा है भाई, क्योंकि मैं अपना सूट कोट दिखा रहा हूं। आपको फोर्थ स्टेप में ये करना है, आपने जूतों के ना स्टेप से आप कहां पहुंच चुके हो, अपनी कार्गो पैंट्स और ओवरसाइज ट्रेंड से आप कहां पहुंच चुके हो, आप कैजुअल स्टाइल की तरफ। अब आप जींस और टी-शर्ट पहन रहे हो, जस्ट उसके ऊपर एक स्टाइल आइटम ऐड कर लो, कौन सा, फॉर्मल। आप अपना सूट कोट ऐड कर सकते हो, नेवी हो, मेरे पास बरगंडी है, ठीक है, मैंने ऐड कर लिया, बहुत अच्छी मैचिंग हो पा रही है और बहुत बढ़िया लग रहा हूं मैं। बस नीचे लाइट कलर की जींस मत पहनना, नहीं तो ज्यादा कैजुअल हो जाएगा, डार्क कलर की प्लीज सजेस्ट करना, ठीक है, ये याद रखना। और इसको ऐड करते हैं, ये आपका क्या हो गया, स्मार्ट कैजुअल स्टाइल। कैजुअल में हम जींस और टी-शर्ट में हो, और स्मार्ट ये हो गया आपका मतलब जेंटलमैन टाइप, ठीक है। इसमें आप चाहो तो पर्सनल टच में पॉकेट स्क्वायर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन टाई तो पहन ही नहीं सकते। फोर्थ होने वाला है, वो होने वाला है अब आपका लास्ट स्टेप आ चुका है आपका फॉर्मल जेंटलमैन स्टाइल। उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक्सेसरीज भले ही छोटी सी होती है लेकिन एक मेजर रोल प्ले करती है आपके स्टाइल को है ना इधर से उधर खिसकाने में। भले ही वो स्ट्रीट वेयर हो, आपका कैजुअल हो या फिर फॉर्मल हो या फिर स्मार्ट कैजुअल हो, ठीक है। स्मार्ट कैजुअल में आपने क्या करना चालू कर दिया, जींस टी शर्ट पहनना चालू कर दी, अब आपको शर्ट ऐड कर लेनी है और उसके साथ आप पॉकेट स्क्वायर ही ऐड कर पा रहे थे, वो भी आपके पर्सनल टच की वजह से। अगर नहीं भी करोगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसमें आप टाई, पॉकेट स्क्वायर, लेपेल पिंस और है ना बूटनियर्स, मतलब फ्लावर्स सब ऐड कर सकते हो, लेकिन फ्लावर्स सिर्फ शादी में, याद रखना, उसके अलावा थोड़ा अजीब हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस चीज की प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट होके ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है और लोग थोड़ी बहुत मजे भी लूटेंगे, तो मजे लूटने देना और खुद कॉन्फिडेंट रहना, ये याद रखना। तो आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, एक्सेसरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप रिंग्स, चेन्स और ब्रेसलेट्स पहन रहे हो तो आपका स्टाइल किधर जाने वाला है, ज्यादा पहन रहे हो तो आप ज्यादा जा रहे हो स्ट्रीट वेयर की तरफ, कम थोड़े बहुत कम पहन रहे हो और अगर रिंग्स कम पहन रहे हो तो आप कैजुअल की तरफ रहने वाले हो, और अगर आपने एक्सेसरीज ही चेंज कर दी, टाई वगैरह पहन रहे हो, रिंग्स और ब्रेसलेट कुछ भी नहीं पहन रहे हो, मतलब आप फॉर्मल हो ही आ रहे हो। सिक्स्थ होने वाला है, आपको अपने साथ हमेशा सच्चा रहना है, ट्रूथफुल रहना है, और आपको पर्सनल स्टाइल चूज करने में ना कभी भी कोई है ना बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हो और आपका इस टाइप का लुक रहता है सूट वाला और आपको ये पसंद नहीं आता, तो मैं कह रहा हूं बहुत सारे ऑफिसेज में अभी सारी चीजें चेंज हो चुकी है, सरकारी ऑफिस छोड़ो और प्राइवेट ऑफिस ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा आप अपने लुक को चेंज कर पाओगे, थोड़े बहुत कैजुअल क्लोथ भी पहन पाओगे और वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। और क्या रहेगा,
आपके लिए कैजुअल क्लोथ आप पहन पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने स्टाइल के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और घर पे रहकर तो कर ही सकते हो यार, आपको पता चल जाएगा, कोई बाउंडेशन मत रखो। सेवन तो लास्ट पॉइंट होने वाला है, वो होने वाला है आपको ये याद रखना है, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, एकदम से ना आप सीधा ओवरसाइज क्लोथिंग से सूट में मत चले जाना, नहीं तो लोग पागल समझेंगे। यही थी वीडियो, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर देना पूछने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।